How are you all? Today we are going to learn Hindi alphabet. So let's start. आज हमारा टॉपिक है व्यंजन. जैसा कि आपको सबको पता है कि जब नर्सरी से बच्चा LKG में जाता है तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई के थ्रू, क्योंकि उसको पता है कि हमें पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. बच्चे के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं डाला जा सकता. तो हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तो ऐसा सिखाएंगे कि जिस साथ हमारी एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा. आज हम व्यंजन पढ़ेंगे और हम पिक्चर्स के साथ व्यंजन पढ़ेंगे, जिससे बच्चे में एक उत्साह पैदा हो कि भाई हमें अच्छी चीज़ पढ़ाई जा रही है. हम बच्चों को इन पिक्चर्स के थ्रू कुछ भी सिखा सकते हैं. एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बता सकते हैं, फ्रूट्स के बारे में बता सकते हैं. कुछ भी हो, बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को पिक्चर्स दिखाओ. पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो और वो सिखाया हुआ बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है. आज हम बच्चों को कुछ जैसे कैसे कबूतर भी सिखाते हैं, तो बच्चों को हम कै बोलते हैं कि बेटा कै लिखो, तो बच्चा कै माइंड में कै चल रहा है, बट उसके दिमाग में ये है कि मैम ने बताया था कैसे कबूतर होता है, तो वो तुरंत कै लिख देता है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन पिक्चर्स के साथ. नाउ स्टार्ट. क ख ग घ न. कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी. नेक्स्ट. छ छ ज झ निया. जैसे चम्मच, छ से छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा. निया. ट ठ ड ढ न. तैसे टमाटर, ठैसे ठठेरा, डैसे डमरू, डैसे ढक्कन. हण. नेक्स्ट. त थ द ध न. तैसे तरबूज, थैसे थर्मस, दैसे दवात, धैसे धनुष, न से नल. तो हमने देखो कैसे नए तक अभी पढ़ा. इसमें हमने क्या देखा कि जो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने देखी ना हो, जो हमने सुनी ना हो. ये पिक्चर्स जितनी भी है मोस्टली हमारे घरों में मिल जाती है. तो आप बच्चों को कुछ भी सिखाना हो तो इन पिक्चर के थ्रू सिखा सकते हैं. तो नेक्स्ट. प फ ब भ म. प से पतंग, प से फल, व से बतख, भ से भालू, मैं से मछली. नेक्स्ट. य र ल व श. य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम. श स ह त्र त्र. श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल. नेक्स्ट. ज्ञ श्र. ज्ञ से ज्ञानी बाबा, श्र से श्रमिक. तो देखो बच्चों, आज हमने व्यंजन पढ़े, पिक्चर्स के साथ पढ़े, हमने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखी. इससे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बच्चों को हम अच्छे से लर्न करा सकते हैं. हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को रटाना नहीं है. हमें बच्चों को सिखाने के लिए हमें ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो भी चीज़ हो उसको दिखा के हम बच्चों को सिखा सकते हैं. सो थैंक यू.